12 सितंबर 2015 पेटलावाद ब्लास्ट को 3 वर्ष होने को है, लेकिन पेटलावाद के पीड़ित परिवार आज भी उस दर्द से उभर नहीं पाए हैं। जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पता देखा है, वह आज भी उन्हें खोने के दर्द से उभर नहीं पाए। ऐसे में पीड़ित परिवार आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है। 12 सितंबर को ब्लास्ट में निर्गत हुए पेटलावाद वार्ड नंबर 4 निवासी नानूराम सोलंकी का परिवार आज काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खुद नानूराम सोलंकी के घर पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस विकट घड़ी में वह उनके साथ हैं और उन्हें सरकारी नौकरी, निजी वाहन, विधवा पेंशन आदि सुविधाएं देकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बाद भी नानूराम सोलंकी के परिवार को किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। आज भी सोलंकी का पुत्र कांतिलाल सोलंकी अधिकारियों, नेताओं के पीछे चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। इन परेशानियों से हताश होकर कांतिलाल ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है कि अगर सीएम शिवराज सिंह पेटलावाद दौरे के दौरान उनसे नहीं मिलते हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वह सीएम के समक्ष ही आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि अब कांतिलाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वह अपने परिवार को चलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। कांतिलाल के परिवार में उसकी माँ एवं उनकी पत्नी हैं, जिनके भरण पोषण में अब उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो हमारा नौकरी दी नहीं, कहीं नहीं, कुछ कहीं भी करा हमें, कहीं भी हमारे नौकरी भी दिलाओ, कहीं भी हमारे किस तरह घर चलावा, और हमारे पेंशन करी थी तो वह भी नहीं, 150 रुपया दे, 150 रुपया दी कहीं करा, कहीं भी हमारे कहीं भी खुलासा करो तो हमें कहीं भी देवो हमारी नौकरी, नहीं तो हम मर जाएंगे। आपके बालक के द्वारा बताया जा रहा है कि वो आत्मदाह करेंगे, बालक बेचारा, बालक बहुत जाए जाए ने वहाँ जापा जाए जाए ने बहुत गयो न खूब करो परेशान वही रहो, कोई भी हमारा सुनवाई नहीं कर रहा तो हमारे का ही करना हो, मार दो मान फिर नहीं तो कहीं करा हमें, हमें कहीं भी नौकरी दिलाओ तो हमें। आपका नाम? कमला भाई। कहाँ के निवासी? पेटलावाद। 2015 में हुए ब्लास्ट में मेरे पिताजी शांत हो गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री जी मेरे घर पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नौकरी दी जाएगी, घर में से एक तरह नौकरी दी जाएगी और मम्मी और दादी की पेंशन चालू कर देंगे, और उसके बाद 407 गाड़ी का भी बोला था उन्होंने मेरे को, और अभी तक मैं कम से कम कई बार जावा भी जाके आया, निर्मला जी से भी बहुत बार शिकायत करी, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात टाल दी। आज तक मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूँ, और दोस्तों से भी गाड़ी ले लेके जाता हूँ, हर बार पेट्रोल के पैसे लेता हूँ और वो भी नाटक करते हैं, और अभी इतना तो कम से कम 4-5 हजार रुपए कर्जा कर लिया, मैंने भी गाड़ी ले लेके जाता हूँ, और अब जब कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं पेटलावाद के दौरे पर, अगर उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी है तो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने आत्मदान कर लूंगा। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ और मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूँ, और मेरे को अब ये करना ही पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम कांतिलाल सोलंकी। रिपोर्टर्स पेज के लिए झाबुआ से कुंवर शान ठाकुर की रिपोर्ट।